मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं Vivo के V15 Pro और V15 मोबाइल्स के बारे में, जिनके अंदर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें जिनके अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक वीडियो अभी अभी जो है Vivo ने अपने ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर अभी डाला है, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि वो कितना ड्यूरेबल है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या वो सच में इतना ड्यूरेबल है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है जैसा कि इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो रोबोट है वो उसे टेस्ट कर रहे हैं। ये 3 लाख से ज़्यादा बार इसका जो पॉपअप डिज़ाइन है वो चेक किया गया है। 15 किलो तक का जो है ये प्रेशर जो है वो ये झेल जाता है, उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, और इस बात की गारंटी है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, तो जो लाइक बटन है इसे भी थोड़ा सा दबा के नीला कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या Vivo V15 Pro या फिर जो Vivo का जो पॉपअप सेल्फी डिज़ाइन है, क्या वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल डिज़ाइन है और क्या ये सच में इतना ड्यूरेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस फ़ोन की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को यह मिलेगी, कोई नोच इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है, ना ही कोई पंच होल डिज़ाइन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें S2S डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और यदि इसके पॉपअप सेल्फी कैमरा की डिज़ाइन की यदि बात करें तो बेसिकली जो है एक बेस्ड है स्क्रू मोटर पे और स्क्रू मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो ये नो डाउट इस फ़ोन के जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी का है, ये ड्यूरेबल है क्योंकि स्क्रू बेस्ड मैकेनिज्म पे है। जो स्क्रू है आप उसे खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं होता, वैसे ही ये है। लेकिन अब बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि ये फ़ोन जो है वो बैंड नहीं होता है 30 किलो तक के प्रेशर के साथ। 30 किलोग्राम तक का जो इसके ऊपर यदि वेट डाला जाता है तो फ़ोन जो है वो बैंड नहीं होता है। इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है वो 3 लाख बार डिजाइन है, तो इसका मतलब ये है यदि आप दिन के अंदर 10 सेल्फी भी खींचते हैं तो भी आपका जो फ़ोन है वो 2-3 साल तक आपका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप 10 या 12 सेल्फी भी खींचते हैं, 20 सेल्फी भी यदि दिन में खींचते हैं ऑन एवरेज, तो भी आपका फ़ोन जो है इसका कैमरा जो है वो 2-3 साल तक आराम से चल जाएगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो भैया ड्यूरेबिलिटी के अंदर जो कंपनी के वीडियो के अंदर दिखाया गया है ये गलत है, ये झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल इसके अंदर जो आपने देखा गया है कि फ़ोन को जो है 100 टाइम्स जो है फ़ोन को गिराया गया है और दिखाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सलाह यही दूंगा, यदि आपने फ़ोन ले लिया है तो आप उस फ़ोन के साथ ऐसा कुछ जो है वो ट्राई ना करें। जो ये टेस्ट किए गए हैं ये जो है रोबोटिक मशीनों के द्वारा टेस्ट किए गए हैं, और ये इन टेस्ट के बारे में क्या सच्चाई है हम नहीं जानते। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का भी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर बताया गया है कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है वो ड्यूरेबल है। 2 लाख बार जो है उसका फोल्ड जो है वो टेस्ट किया गया है रोबोटिक मशीन के द्वारा, उनका वीडियो भी आपने देखा था। लेकिन आपको कुछ वीडियोज़ ऐसे भी आपके सामने आए हैं जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है वो 2 दिन के अंदर जो है डैमेज हो चुका है। बात करते हैं हम Vivo V15 Pro के बारे में। तो नो डाउट इसका जो डिज़ाइन है और जो भी इसका जो मैकेनिज्म है स्क्रू मैकेनिज्म पे जो ये पॉपअप सेल्फी कैमरा है ये ड्यूरेबल है, नो डाउट। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है अपनी प्राइस रेंज को। तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास यदि आपको ये मिल पाता है पॉपअप सेल्फी कैमरा डिज़ाइन, तो मेरे को नहीं लगता ये जो है वैल्यू फॉर मनी है। और बाकी आपका क्या सुझाव है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप ये Vivo का वीडियो देख के यदि Vivo V15 Pro खरीदना चाहते हैं जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है, तो एक बार आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर विचार कर लीजिएगा। आपको जो दिखाया जाता है वो हमें मिल नहीं पाता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप जो भी चीज़ खरीदें तो उस को आपको खरीद के रिग्रेट या आपको पश्चाताप नहीं हो कि आपने ये जो है आपका पैसा जो है वो आपने वेस्ट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए डेली टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।